एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं करने वाली हूँ कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोग के लिए। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। तो मैं आज अपनी बेटी पर हेयर स्टाइल करने वाली हूँ। देख सकते हो कितने छोटे बाल हैं बैक में, देखो बहुत ही छोटे बाल हैं। इस टाइप के हेयर स्टाइल में तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करें, सबसे पहले एक लाइनिंग सी बना लेनी है और बिल्कुल आराम आराम से करना है, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। हल्के हल्के हाथों से ट्विस्टिंग करनी है, ट्विस्टिंग काफ़ी टाइट रखिएगा। और बहुत छोटे बाल हैं तो हो सकते हैं कि ये खुल जाए, तो इसके लिए आप स्प्रे बॉटल ले लीजिएगा। स्प्रे, हेयर स्प्रे जो आता है वो अच्छे से इसको सेट कर देगा और लॉन्ग टाइम तक ऐसे का ऐसे रहेगा, ये खुलेगा नहीं। तो ये देख सकते हो मैंने कितना अच्छे से ट्विस्टिंग यहाँ पर बना दिया है। उसको मैं टिक टिक क्लिप से सेट कर दे रही हूँ, जो हमने पीछे बाल लगाया है उसमें जोड़ते हुए, और इस तरीके से स्प्रे मार के इसको अच्छे से सेट कर देते हैं, ताकि ये ऐसे का ऐसे रहे, खुले ना बाद में। फिर दूसरी ट्विस्टिंग बनाएंगे इसके पास में ही, यहाँ से इसे थोड़ा सा स्प्रे और मार देंगे। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े हेयर लेके ना, साइड के बहुत ज़्यादा छोटे बाल हैं। इस तरीके का वीडियो शायद पहली बार आ रहा है यूट्यूब पे, कि इतने बॉय कट में आप इतने लॉन्ग हेयर वाली हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो आई होप कि आपको आइडिया मिलेगा और अच्छी लगेगी वीडियो। तो ये दूसरा ट्विस्टिंग भी हमारा बन के रेडी हो गया है। अब देखिए इतना बहुत ज़्यादा छोटा बाल है यहाँ पे, तो हल्के हल्के हाथ से यहाँ से भी ट्विस्टिंग लेके जाएंगे। अगर ना हो पाए तो नॉर्मली स्प्रे मार के ऊपर की तरफ इसको चिपका देंगे बालों को। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे भी एक ट्विस्टिंग कर दी है, उसको भी सेट कर दिया। अब दूसरी साइड से बनाएंगे, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ से भी इस तरीके से थोड़े थोड़े हेयर लेंगे और इसको अच्छे से ट्विस्ट करते जाएंगे, और इसे भी स्प्रे मार मार के पीछे की तरफ सेट करते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, अब इधर जो हेयर बचे हैं उसको भी अच्छे से बना लेंगे। ओके, वाह। सिंपली इस तरीके से ट्विस्टिंग करते जाएंगे और स्प्रे मार के इसको भी सेट कर लिया जाएगा पीछे। ओके, वाह, बहुत प्यारा लग रहा है। और आप जरूर ट्राई कीजिएगा, जिसके बहुत छोटे बाल रखती है, बॉय कट रखती हैं और शादी पार्टी में एकदम लुक चेंज करना हो, तो आप इस तरीके की हेयर स्टाइल बना सकते हैं। आप चाहो तो बैक में जूड़ा भी बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे जूड़ा नहीं दिखाया है, सिर्फ छोटी बना के दिखाई है। छोटे बालों में लंबे बाल कैसे दिखाएं, पहले से तो उठा लूंगी इस बार वापस भी, हां मैं कभी नहीं जाऊंगी। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को। नया है पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अभी एक साइड से अच्छे से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे क्लिप लगा देंगे ताकि ये चिपका रहे बाल। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लिप लगा दी है और ये बालों को अच्छे से सेट कर दिया है। दूसरी साइड के भी बालों को इसी तरीके से अच्छे से सेट कर देंगे। अच्छे से मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। अभी चलते हैं बैक साइड में कैसे हेयर स्टाइल बनाना है वो देख लीजिए। वाह, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अभी बैक साइड के लिए एक साइड से थोड़े से हेयर लेंगे। ये मैंने जो हेयर जोड़ा है ये मैंने 200 रुपये में मंगाया था। एक साइड से थोड़े से हेयर ले लिए मैंने, इसको ब्राइड बना लेंगे, सिंपल ब्राइड। तो यहाँ पे इस तरीके से सिंपल ब्राइड मैंने यहाँ पे बना ली है।
और इसको सिंपली जो हमने क्लिप्स लगाई है उसके ऊपर से लेके जाएंगे। इस तरीके से क्लिप लगाएंगे और ऊपर की तरफ से इस तरीके से लगाएंगे और दूसरे कान के पास ले जाके इसको सेट कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने दूसरे ईयर की तरफ सेट कर दिया है इसको। और यहाँ से थोड़े से हेयर लेंगे और क्लिप्स को ढकते हुए, अच्छे से सारे क्लिप्स को ढकते हुए यहाँ से इस तरीके से ढकेंगे और इस कान के पास एक और क्लिप लगा देंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अच्छे से सारे क्लिप्स को ढक दिया मैंने। ये मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट की तो आप ये मैं सोचिए कि मैं बच्ची गलतन इतनी तेज़ी से झटक रही हूँ, वो फास्ट में दिखा दे रहा है। ये देखिए तो यहाँ पे अच्छे से क्लिप लगा देंगे, क्लिप्स को ढकते हुए एक क्लिप यहाँ पे लगा देंगे। ओके, तो ये हमने इस तरीके, आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो सिंपली और अपना शादी पार्टी जो भी है वो अटेंड कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा ये बच्ची है तो कज़न बहुत ज़्यादा हिला रही है। आप अच्छे से क्लिप्स को हाइड कर दीजिएगा, क्लिप्स नहीं दिखनी चाहिए तभी बहुत प्यारा लुक आएगा। अब सिंपल सा मैं यहाँ पे ब्राइड बना दे रही हूँ और चोटी को बना के एक रबड़ बैंड लगा देंगे। चोटी को लूज रखेंगे, इस तरीके से खींच लेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो और पसंद आ रही हो हेयर स्टाइल। तो कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसका फाइनल लुक क्या आया था वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रबड़ लगा दिया है और ये हेयर स्टाइल का फाइनल लुक है। ओके वाओ, तो ये देखिए हेयर स्टाइल का फाइनल लुक कैसा लग रहा है गाइस, ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा जहाँ पे मैं रोज़ नई डिजाइंस कपड़ों की नई डिजाइंस लेके आती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है ड्रेस डिजाइनर प्रीत तिवारी और इंस्टा आईडी है मेरी प्रीत तिवारी 24। तो कैसा लगा आप लोग को ये हेयर स्टाइल जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वायरल करा दीजिएगा इस प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट आइडिया के साथ, नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए करा पाऊँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।